हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठंड के मौसम में गुड़ के पराठे खाने की बात ही कुछ अलग होती है। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है गुड़ के पराठे। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबके लिए ये गुड़ के पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो आप सब ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जल्दी से हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। पराठे के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आटे में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को एक बार हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। डो हमारा यहाँ रेडी है और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए अब अलग रखेंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। गुड़ मैंने लिया है 3/4 कप और इस तरीके से गुड़ को मैंने चाकू की हेल्प से काट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून तिल और 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ जो है ये गुड़ के पराठे को एकदम अलग ही लेवल पर ले जाता है। और पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ये हमारी हेल्थी गुड़ की स्टफिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब हम पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने आटे की लोई ले ली है। एक लेमन साइज जितनी हमें आटे की लोई लेनी है और इसे अच्छी तरीके से इस तरह से चिकना कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेल लेते हैं। अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। तो स्टफिंग जो है मैंने 2 से 2.5 चम्मच या 3 चम्मच भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पराठे में फिल कर दी है। तो अब जिस तरीके से आप आलू पराठा बनाते हैं या कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसमें प्लेट्स लगा के तैयार कर लेना है। और अगर एक्स्ट्रा आटा आता है तो आप ऊपर से इस तरह से हटा दें और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के आप इसे छोटे छोटे पराठों में बेल लें। गुड़ का पराठा आप जब भी बनाते हैं तो थोड़ा सा जो साइज में इसे छोटा ही रखा करें। बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसके साइज़ जो है थोड़ा छोटा छोटा ही आप इसे बनाएं। इससे बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। और इस तरह से अगर थोड़ा थोड़ा सा क्रैक्स अगर आते हैं साइड में तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा हमें इस पराठे को पतला नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे हम अलग रख देते हैं एक प्लेट में और बाकी के पराठे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये पराठे हमारे रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। घी जो है मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और एक तवा जो है आप गरम कर लें। और सबसे पहले तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद आप इस तरह से पराठे को इसमें रख दें। दो मिनट सेकने के बाद चलिए अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और जो गुड़ है धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, घी लगाएंगे। तो घी में जो है ना, यहाँ थोड़ी कंजूसी मत करिएगा, थोड़ा अच्छे से आप इस पराठे में घी लगाएं।
दोनों तरफ घी लगा के आप अच्छे से पराठे को एकदम गोल्डन कलर होने तक का सेक लें। तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है थोड़ी थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आया है पराठे में। ये गुड़ का पराठा आप बच्चों को टिफ़िन में बना के देंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, या संडे ब्रेकफास्ट में आप बनाइए, बिल्कुल गर्मा गर्म खाने में एकदम मज़ा आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पराठा हमारा रेडी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब आप देख सकते हैं कि पैन में बचा हुआ गुड़ है, तो उसको आप हटाइएगा मत, इसी में ही हम इस तरह से पराठे को रख देंगे और गोल गोल आप इस तरह से घुमा दें तो सारा जो गुड़ और घी है इस पराठे में लग जाएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक का पराठे को सेक लें। तो ये रेडी है हमारा गुड़ का पराठा। यहाँ पे आप सब ज़रूर से ये रेसिपी को ट्राई करिएगा। तो ये पराठा भी हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक पराठा तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी एकदम यमी पराठा दिख रहा है, और जो अंदर से जो स्टफिंग है एकदम मेल्टेड गुड़, ये आप देख सकते हैं। गुड़ के साथ में सौंफ और तिल का जो फ्लेवर है एकदम अलग ही फ्लेवर आएगा। तो आप सब ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा।